एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी पहले दर्शकों को बताते चलते हैं। देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो दिव्या केस की जांच बहुत तेजी के साथ कर रही है। 3 सदस्यीय एसआईटी इस मामले की जांच में लगी हुई है। दिव्या के शव की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। 2 फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा देखिए जैसे परत दर परत सामने आ रहा है, उसमें कई सारे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल है कि आखिर लाश कहाँ है। जब मर्डर के बाद लाश होटल के अंदर ही मौजूद थी, जानकारी पुलिस को थी, तो उसके बाद अचानक से लाश कहाँ चली गई, कौन लेकर गया, और अगर गया तो आरोपी आपके हाथ में है, फिर आप लाश की तलाश क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम है जिसे गठित किया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। जांच का दायरा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उस होटल तक भी पुलिस पहुंच चुकी है जहां पर मर्डर किया गया था, उस कमरे तक पहुंच चुकी है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन अभी तक सवाल यही है कि आखिर लाश है कहां। अभिषेक, बहुत सारी बातें हैं जो कड़ी है वो इसमें निकलकर सामने आई है। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा वैसे और भी जो मोटिव है हत्या का वो सामने आएगा, लेकिन 2 आरोपी अभी फरार हैं। क्या क्या अभी तक राजफाश हुए हैं, क्या क्या खुलासे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में, जरा बताइए अभिषेक। देखिए, शुरुआती जांच में अभिजीत ने यही बताया था कि पिछले 3 महीने से ये दोनों जो है वो एक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में थे, दोनों एक साथ रहते थे, और ऐसे में दिव्या पहुजा ने मोबाइल से अभिजीत की कुछ वीडियोस बना लिए थे और लगातार वो ब्लैकमेल कर रही थी अभिजीत से, पैसे की डिमांड कर रही थी। दिव्या पहुजा, आपको याद होगा तो आज से लगभग 7-8 साल पहले एक इनकाउंटर हुआ था मुंबई में, चर्चित हरियाणा पुलिस ने जाकर वो इनकाउंटर किया था, जिसको बाद में मुंबई पुलिस ने एक मर्डर करार दिया था। संदीप गोडाले उसकी एक गर्लफ्रेंड बताई जाती थी, और उस वक्त दिव्या पहुजा की उम्र जो है वो लगभग 18 वर्ष साल की थी। और अब देखिए 8 साल बाद वही जो इंसिडेंट है एक बार फिर देखने को मिला है। दिव्या पहुजा अभिजीत के संपर्क में आती है, 3 महीने से इनकी दोस्ती थी जो पता चला है अब तक की जांच में, और ये दोनों जो है एक साथ रहते थे। ऐसे में दिव्या ने अभिजीत की कुछ फोटोज वीडियोस क्लिक कर लिए थे, और उस दिन भी होटल के अंदर जो पुलिस की सूत्र हमारे वो बताते हैं कि दिव्या पहुजा से अभिजीत उसके फोन के पासवर्ड पूछने के लिए लाया था, वीडियोस डिलीट करने के लिए लाया था, लेकिन दिव्या पहुजा ने जब इससे मना कर दिया तो दिव्या पहुजा की गुस्से में आकर, रोष में आकर अभिजीत ने हत्या कर दी। अब तक ये जांच जो है ये सब बातें निकल के सामने आई है, लेकिन एक बड़ा सवाल पुलिस की जांच पर भी है, पुलिस के काम करने के तरीके पर भी है, क्योंकि पहली बार जब पुलिस यहां पे पहुंची थी तो अपराधी इस होटल के अंदर